नमस्कार, हूँ आदर्श छू। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। स्टैंडर्ड फर्स्ट सब्जेक्ट एनवायरनमेंट। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड, फिट एंड फाइन। स्टैंडर्ड फर्स्ट सब्जेक्ट एनवायरनमेंट, वी आर गोइंग टू लर्न अवर न्यू चैप्टर। हमने चैप्टर 12 है वो फिनिश कर लिया, कंप्लीट कर लिया है, राइट स्टूडेंट? सो हियर कंप्लीट अवर चैप्टर नंबर 12 एंड हमने उस पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, एक्सरसाइज कर ली, वर्कशीट कर ली, आपने अच्छे से आंसर भी दे दिए, आपका होमवर्क भी चेक हो गया। तो अभी टुडे हियर स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। न्यू चैप्टर स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट, हम कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। आई एम आस्किंग सम क्वेश्चन एंड यू ऑल गिव मी आंसर, ओके? तो न्यू चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, राइट स्टूडेंट? सो आपको, आप जब एलकेजी में थे, एचकेजी में थे, तभी आपको वाइल्ड एनिमल्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स का लेसन आया होगा ना? हाँ, तो डोमेस्टिक एनिमल कौन कौन से होते हैं पता है आपको? डोमेस्टिक एनिमल का मतलब है जो हमारे आसपास में जो पालतू एनिमल्स है, यानी जिसको हम पालते हैं अपने घर में, तो उसे डोमेस्टिक एनिमल बोलते हैं। आपको पता है हाँ? तो डोमेस्टिक एनिमल में कौन कौन से एनिमल आते हैं? हाँ, वेरी गुड, काउ, बफेलो, हॉर्स, फिर डॉग, कैट, हाँ, तो ये सारे। फिर बहुत सारे बर्ड्स होते हैं जैसे कि पैरट, स्पैरो, हाँ, फिर और भी जैसे बर्ड्स है, फिर ऐसे डोमेस्टिक एनिमल है जिसे हम हमारे घर में रखते हैं। सबको पसंद होता है कि डोमेस्टिक एनिमल को हम अच्छे से रखें, ओके स्टूडेंट? तो डोमेस्टिक एनिमल है हमारे, तो मोस्टली है वो कौन से एनिमल है जिसे हम घर में रखते हैं? कैट, डॉग, काउ, बफेलो, गोट, हाँ, होते हैं ना ऐसे एनिमल जिसे हम अपने घर में रखते हैं। लेकिन घर में रखने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे रख दिया तो हो गया। जैसे आप छोटे हो तो मम्मी आपकी केयर करती है ना, हाँ, वैसे ये सारे जो एनिमल्स होते हैं उसकी भी हमें बहुत अच्छे से केयर करनी होती है। अगर हम अच्छे से उसकी केयर नहीं करेंगे तो वो उसकी जो हेल्थ है वो बिगड़ जाएगी, राइट स्टूडेंट? सो आज मैं है आपको यही बताने वाली हूँ कि बहुत सारे जो पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, अपने घर पे एनिमल्स है वो ऐसे डोमेस्टिक एनिमल है वो लेके आते हैं, लेकिन उसकी अच्छे से केयर नहीं करते हैं तो वो बीमार हो जाते हैं। वो इसीलिए अगर आपको डोमेस्टिक एनिमल पसंद है, आप अपने घर में रखना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, ओके स्टूडेंट? अडोप्टिंग अ पेट, यानी आपके जो डोमेस्टिक एनिमल है जैसे कैट है, डॉग है, तो आप उसे अडोप्ट कर लेते हो। अडोप्ट करना करने का मतलब है आप अपने घर पे ले आते हो, एंड टेकिंग केयर ऑफ देम इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। जैसे ही घर पे रख दिया तो आपका वर्क है वो फिनिश नहीं हो जाता है। सो हियर आर सम ऑफ द रिच सम ऑफ द टिप्स, ओके स्टूडेंट? सो हियर आर सम ऑफ द टिप्स, मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ कि अगर आप एनिमल्स है, ऐसे डोमेस्टिक एनिमल है या बर्ड्स है, तो आप अपने घर पे ले आते हो तो उसकी केयर कैसे करनी है, विच विल हेल्प यू टू टेक गुड केयर ऑफ योर पेट एंड कीप देम हैप्पी, हेल्दी एंड एक्टिव, ओके? तो आपको क्या करना है, मैं आपको यहाँ पे कुछ टिप्स दे रही हूँ। तो कैसी टिप्स दे रही हूँ, जिससे आपका जो पेट है यानी जो डोमेस्टिक एनिमल है वो आपके घर में अच्छे से रहेगा, वो हैप्पी भी रहेगा, एक्टिव भी रहेगा और हेल्दी भी रहेगा, ओके स्टूडेंट? सो मैंने यहाँ पे बहुत सारी जो है वो टिप्स है वो राइट करके रखी है, तो हम वन बाय वन उसे रीड करेंगे, राइट स्टूडेंट? तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे देखो आप फर्स्ट है वो नीड योर पेट अ गुड एंड हाई क्वालिटी फूड। तो हमारी जो फर्स्ट है टिप्स, जो मैं आपको फर्स्ट टिप बताने वाली हूँ वो है फीड योर पेट एंड गुड हाई क्वालिटी फूड्स। तो उसे जो भी आप खाना खाने के लिए ले रहे हो वो कैसा होना चाहिए, हाँ, हेल्दी एंड कैसा होना चाहिए, हाई क्वालिटी का फूड होना चाहिए। ऐसे
हमारे घर में रोटी वगैरह बची है तो उसे दे दे, वैसा नहीं। ओके, तो उसे हाई क्वालिटी का फूड है वो देना चाहिए। एंड देन नेक्स्ट टेक देम फॉर अ वॉक एवरी डे फॉर लीस्ट हाफ एन आवर। तो क्या करना चाहिए आपको? हाँ, पेट को घुमाने लेके जाना होता है वहाँ हाफ एन आवर। तो उसकी लिस्ट बना के रखनी है कि मॉर्निंग में आपको उसे वॉक पे ले जाना है या इवनिंग को, लेकिन आपने जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आपको उसे वॉक पे लेके जाना है। ओके, एंड प्रोवाइड देम विद द नीडेड वैक्सीनेशन ऑन टाइम। तो आपके घर में कोई पेट है यानी कोई डोमेस्टिक एनिमल है तो उसे वैक्सीनेशन कराना है, यानी उसे जो इंजेक्शन वगैरह देते हैं वो डेली जो उसका रूटीन का है वो कराना है। उसे महीने में जाना है या डॉक्टर से उसको पूछ लेना है कि उसका कैसे वैक्सीनेशन करना है, तो वो आपको कराना है। वरना अगर वो किसी को घर में काट लेगा या कुछ होगा तो इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है। इसीलिए आपको वैक्सीनेशन ऑन टाइम, कीप अ क्लीन एंड हाइजेनिक एनवायरनमेंट फॉर देम। उसे क्या करना है आपको? हाइजेनिक एनवायरनमेंट देना है, क्लीन। आप वो जहाँ पर भी रहता है वो प्लेस कैसी होनी चाहिए? क्लीन एंड हाइजेनिक। ओके, वो गंदी होनी नहीं चाहिए। जहाँ पर बहुत सारी गंदगी होती है वहाँ मच्छर वगैरह होते हैं ना, मॉस्किटो, और फिर वो उसे काटते हैं, आपको काटते हैं, तो उसकी जो प्लेस है वो क्लीन एंड हाइजीनिक रखनी है। प्रोवाइड देम विद अ गुड एंड कंफर्टेबल शेल्टर्स। तो आपको क्या करना है? उसे जहाँ पर भी आप रख रहे हो उसका जो आश्रय स्थान है जहाँ पर वो रहता है वो कैसा होना चाहिए? कंफर्टेबल एंड गुड। ओके, प्रोवाइड देम विद गुड एंड कंफर्टेबल शेल्टर्स एंड डोंट लीव देम अलोन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो उसको आप ऐसा, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि पेट को घर पे लेके आते हैं, हाँ, फिर कहीं पे भी उसे आउट ऑफ स्टेशन जाना है तो क्या करते हैं, उसे घर में बांध के चले जाते हैं। तो लॉन्ग टाइम ऐसे किसी के ऐसे पेट को छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि वो अपने आप कोई काम तो कर नहीं सकता है, रेस्टोरेंट। तो आपको क्या करना है? उसे किसी और के घर पे रख के जाना है ताकि उसको टाइम से खाना दे, पानी दे और उसकी केयर करे, राइट स्टूडेंट। एंड देन नेक्स्ट, कीप देम अवे फ्रॉम डस्ट एंड एलर्जीज। उसे किससे दूर रखना है? कई ऐसे डोमेस्टिक एनिमल और बर्ड्स होते हैं जिसे किसी चीज से एलर्जी होती है, तो उसे दूर रखना है। एंड डस्ट यानी धूल मिट्टी से उसे दूर रखना है, क्योंकि अगर उसे कुछ एलर्जी हो जाए या डस्ट, उस डस्ट में वो ऐसे ऐसे घूमेगा और फिर आप उसे टच करोगे तो आपको भी ये प्रॉब्लम हो जाएगी ना, हाँ, इसीलिए उसे डस्ट और एलर्जी से दूर रखना है। एंड लव देम अनकंडीशनल ट्रीट देम लाइक योर फैमिली टॉक टू देम। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैंने बोला है कि आपके फैमिली में सबको क्या करना है? अनकंडीशनली ट्रीट देम लाइक योर फैमिली। इसके साथ आपको अच्छे से रहना है पूरे फैमिली मेंबर को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही उसे लाइक करते हो तो चलेगा, फैमिली में सारे मेंबर्स को उसके साथ अच्छे से प्रेम से रहना है। अनकंडीशनली लव यानी सिर्फ उसे देना है, उसके पास से लेने की अपेक्षा करनी नहीं है, क्योंकि वो तो हमारे पर निर्भर है, अपना काम वो खुद तो नहीं कर सकते। ओके, तो आपको ये देखना है कि उसे अच्छे से फैमिली मेंबर है वो ट्रीट करे। तो मैंने आपको बहुत सारे टिप्स है बताई। ओके, तो ये टिप्स मैंने किसके लिए दी? हाँ, कि अगर कोई डोमेस्टिक एनिमल है जो आपको पसंद है, अगर आप उसे घर पे लेके आना चाहते हो, कोई बर्ड है, यानी अपने आप ही आप उसकी अच्छे से देखभाल कर सको, इसीलिए मैंने आपको ये टिप्स दी है। और ये टिप्स है ना वो इसीलिए दी है क्योंकि हमारा जो न्यू चैप्टर है वो क्या है, हाँ बच्चों, पेट
पेट्स इन द फैमिली। तो हमारा न्यू चैप्टर है वो है पेट इन द फैमिली। तो पेट का मतलब है पालतू, जिसे हम अपने घर पे रखते हैं। जैसे कि डॉग है तो डॉग को लोग है, डॉग है वो उसे घर पे रखते हैं। कैट को रखते हैं, रैबिट को, फिर बहुत सारे लोग बर्ड्स को भी अपने घर पे रखते हैं, तो उसे पेट बोलते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है पेट्स इन द फैमिली, चैप्टर नंबर 13। ओके स्टूडेंट, सो यस स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 13, पेट्स इन द फैमिली। देखो यहाँ पे मैंने राइट किया है हाँ कि हम पेट्स इन द फैमिली का न्यू चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन आज हम उसके बारे में ज़्यादा लर्न नहीं करेंगे। वी विल कंटिन्यू अवर नेक्स्ट वीडियो, राइट स्टूडेंट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।